हेलो स्टूडेंट्स, मेजर और इंटीग्रेशन थ्योरी में हम नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी वो कर रहे हैं। हमारी थ्योरम क्या है कि एन अगर कोई काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स है रियल नंबर की, देन द एम स्टार यूनियन ऑफ एन लेस देन इक्वल टू दिस। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेज आउटर मेजर है वो काउंटेबली सब एडिटिव होती है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे दो। ठीक है, इफ वन ऑफ द सेट ए एन हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, सॉरी इनफाइनाइट आउटर मेजर, देन द इनिक्वालिटी होल्ड्स ट्रिवियली। इनफाइनाइट के लिए तो हम बोल सकते हैं कोई भी चीज हमारे पास एम स्टार ए लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो कहता है कि आउटर मेजर अगर हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है, तो वन ऑफ द सेट किसी एक की, ठीक है, तो ये इनिक्वालिटी हमेशा ट्रिवियली होल्ड करेगी। सो वी कैन अज्यूम दैट एम स्टार ए एन फाइनाइट आउटर मेजर क्या है इसकी, फाइनाइट फॉर ईच एन। ठीक है, सभी के लिए हमें फाइनाइट मान के चलनी पड़ेगी। हम पीछे थ्योरम में भी प्रूव करके आए थे, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन। देखो इसके लिए मैंने क्या लिया, काउंटेबल ए एन के लिए काउंटेबल कलेक्शन ली, ए एन के लिए हमने क्या लिया एक काउंटेबल कलेक्शन ली। क्या है कलेक्शन, आई एन आईज और आईज। ठीक है, ये कलेक्शन है ओपन इंटरवल सच दैट दिस कवर, ये इसको कवर कर रही है। तो देखो इसमें क्या लिखा है इसने, समीशन लेंथ ऑफ आई एन आईज लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन बाई टू की पावर एन। ध्यान से देखना, ये आउटर मेजर है ए एन की, और आउटर मेजर ऑफ ए एन क्या होगी, इसकी जो कवरिंग है उसमें आप उनकी लेंथ का सम करो, उसमें से इन्फ्यूम फाइंड आउट करो, वो होती है उसके बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर दिखा दिया, ग्रेटर किस लिए दिखा है, क्योंकि इस क्वांटिटी में इसने कुछ ऐड कर दिया। देखो नीचे लिख भी रखा है बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए एन। नाउ द कलेक्शन आई एन आई, जो ये कलेक्शन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इज काउंटेबल बींग यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट एंड कवर यूनियन ऑफ ए एन। देखो ये जो कलेक्शन थी ये काउंटेबल कलेक्शन है, और काउंटेबल कलेक्शन की अगर हम यूनियन करते हैं तो अगेन क्या रहेगी, वो काउंटेबल होती है। ये ये उसकी प्रॉपर्टी है काउंटेबल की। ठीक है, और किसको कवर करेगी, पहले ये कवर कर रही थी ए एन को, अब किसको करेगी, यूनियन ऑफ ए एन को। अब दस एम स्टार यूनियन ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा दिस, बिल्कुल बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर। ठीक है, सबमिशन एन आई लेंथ ऑफ एन आई एन। ठीक है, अब ये समीशन एन और आई दोनों पे ऑपरेटर आए, इसलिए हम इसको अलग अलग कर देंगे एन और आई। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू है मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू ये रही देखो, ये लेस देन इसके है, इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे लेस देन समीशन एन एम स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन बाई टू एन। उसके बाद आ गया इज इक्वल टू समीशन एम स्टार ए एन प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्री नंबर है, एन टेंस टू इन्फिनिटी करें, वन बाई टू की पावर एन। इसमें हमने इसको किस पे टेंड करा दिया, वन बाई टू की पावर एन। लेकिन यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो वन टू की पावर इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, और ये एप्सिलॉन अपोर में वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा भाई, यानी कि एप्सिलॉन इन टू में जीरो, ये हो जाएगा जीरो, नेक्स्ट जाके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन इज आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर, इट फॉलोज दैट दिस इनइक्वालिटी इज होल्ड्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, कुछ नहीं कि हमने ए एन के लिए काउंटेबल कलेक्शन ली, उसके बाद उस कलेक्शन का हमने यूनियन कर दिया, तो वो किसको करेगी, यूनियन ऑफ ए एन को करेगी, और फिर हमने आउटर मेजर दोनों साइड लगा दी। ठीक है, तो यहाँ आउटर मेजर आपकी लेंथ में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आउटर मेजर सेम रहेगी। अगर कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसकी आउटर मेजर हमेशा जीरो होती है, आपको पता होना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे, वी नो दैट ए काउंटेबल सेट इज द यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ सिंगलटन, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल का मीनिंग क्या, किसके साथ कनेक्ट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। कोई भी फंक्शन अगर कोई भी सेट वन वन कोरस्पोंडेंस बनाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, उसको हम बोलते हैं वो काउंटेबल है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंगलटन सेट ले रहे हैं और फिर उनका यूनियन करेंगे अगेन ए काउंटेबल, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया सिंगलटन। ठीक है, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, ये प्रॉपर्टी है। हमने यूनियन किया A इज इक्वल टू, क्योंकि जो ये काउंटेबल है और काउंटेबल की यूनियन करेंगे तो अगेन काउंटेबल होती है। एम स्टार ए अप्लाई किया इज इक्वल टू एम स्टार दिस, ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये किस में चेंज हो जाएगा, समीशन में एम स्टार एक्स एन। अब आपको पता होगा पीछे हम पढ़ के आए थे कि आउटर मेजर ऑफ सिंगल सेट क्या होती है, हमेशा जीरो होती है, तो एम स्टार एक्स एन क्या हो गया, जीरो हो गया हमारे पास। ठीक है, फॉर ईच एन देयरफॉर एम स्टार ए लेस देन इक्वल टू जीरो। लेकिन हमने पढ़ा था कि आउटर मेजर क्या होती है,
नॉन नेगेटिव होती है। क्या होती है आउटर मेजर? हमने एक प्रॉपर्टी ये प्रूव कर दी, लेस देन इक्वल टू जीरो, बट डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर क्या कहती है? ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, एम स्टार इज इक्वल टू जीरो। ईच ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, हैज आउटर मेजर जीरो, सिंस ईच वन ऑफ दीज इज काउंटेबल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड जीरो वन इज नॉट काउंटेबल। कोई सेट अगर काउंटेबल नहीं है तो उसकी जो मेजर है उसके बारे में हम नहीं कह सकते। देखो जीरो वन, इफ जीरो वन इज काउंटेबल, हम इसमें अपनी डेफिनेशन इम्पोज करेंगे ना, ठीक है, तो एम आउटर मेजर क्या हो जाएगी वे बताना, जीरो होगी। अगर ये काउंटेबल होगा तो आउटर मेजर क्या होगी इसकी, जीरो। लेकिन इसके आउटर मेजर निकालो, आउटर मेजर का मीनिंग सिर्फ लेंथ से है, तो लेंथ निकालेंगे क्लोज इंटरवल जीरो वन की क्या आएगी, वन माइनस जीरो वन आ जाएगी, ये तो क्या आ गई, जीरो नहीं होती वन, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉट काउंटेबल। एनी सेट विद आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो इज अनकाउंटेबल। कोई भी सेट है अगर उसकी आउटर मेजर जीरो से डिफरेंट है तो हमेशा याद रखना वो अनकाउंटेबल होगा ही होगा। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल सेट विद आउटर मेजर जीरो, लेकिन एक यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शनल है भाई, ठीक है, क्या है, एक्सेप्शनल है। तो सिर्फ आज के लिए आपको काउंटेबली एडिटिव की करनी है, कल ये वाली थ्योरम करेंगे। जो कंटर सेट होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल है लेकिन फिर भी उसके आउटर मेजर जीरो है। देखो मैंने क्या बताया कि हर काउंटेबल सेट की आउटर मेजर जीरो है, अगर किसी सेट की आउटर मेजर जीरो नहीं होती है उसको हम अनकाउंटेबल घोषित कर देते हैं। लेकिन एक सेट कैंटर सेट ऐसा सेट है जो अनकाउंटेबल भी है लेकिन उसकी आउटर मेजर जीरो भी है, ठीक है, तो ये हम कल करेंगे। तो यहां तक का आपको काम करना है, इस सेट के हम ये जो थ्योरम है ये कल करेंगे, ठीक है। तो अभी एक दो दिन में और ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर आपके लिए बिल्कुल सिंपल चीज़ हो जाएंगी, मेजरेबल क्या होता है, मेजर, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट में लगा लो, आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, उसके बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें आ गई मेजरेबल, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड यूनिट में कुछ नहीं है, अब सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा, जैसे मेजरेबल सेट क्या होता है नेक्स्ट आएगा, तो उसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, मेजरेबल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का करना है और कल हम ये थ्योरम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।